हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेबसाइट्स के टाइप्स के बारे में। वेबसाइट कितने प्रकार की होती है और किस यूज़ में आती है। सबसे पहले हम वेबसाइट के बारे में देखेंगे कि वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के यूज़ में आती है, जो कि हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। और इस कोर्स में हम वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे, स्टैटिक टाइप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपन वेबसाइट के टाइप्स हैं कि वेबसाइट कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक वेबसाइट बताई जाती है। स्टैटिक वेबसाइट मतलब कि स्टैटिक पेज बने होते हैं उसमें। स्टैटिक पेज मतलब जैसे कि वेबसाइट बना दी एक बार, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सिंपल लैंग्वेज में आप बोलो तो उसको चेंज नहीं कर सकते आप। और स्टैटिक वेबसाइट का कंटेंट फिक्स रहता है, इसे यूज़र बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता, ना ही उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है, और ना ही उसमें कुछ न्यू ऐड कर सकता है, ना ही कोई डिलीट कर सकता है। स्टैटिक वेबसाइट एक इंफॉर्मेशनल पेज की तरह होती है, जो कि एक बार बनने के बाद में चेंजेबल नहीं होता है। अगर यूजरों को चेंज करवाना है वेबसाइट में अगर, तो वो उसको उसके लिए उसके डेवलपर की उसको हेल्प चाहिए होगी। क्या होती है बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट? स्टैटिक वेबसाइट सिंगल पेज भी हो सकती है और मल्टी पेज की भी हो सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट की। डायनेमिक वेबसाइट विजुअली यूज़र के हिसाब से वेबसाइट बनाने के लिए काम में आती है। जैसे कि किसी की देख सकते हैं अभी, जैसे कि डेकोरेशन का वर्क है किसी कस्टमर का, तो उसके लिए अगर आप अपन वेबसाइट बनाते हैं तो उसके नए नए प्रोजेक्ट उसको डालने हैं या फिर कुछ कंटेंट में चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए उसको उसको चेंज करने के लिए उसको एडमिन पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एडमिन पैनल के थ्रू उसमें से चेंज कर सकता है, तो उसको अपन डायनेमिक फीचर्स करते हैं और उस वेबसाइट को हम डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं। डायनेमिक वेबसाइट ज़्यादा अच्छी रहती है स्टैटिक की कंपेयर में, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट में सब कुछ फिक्स होता है और डायनेमिक में चेंजेबल होता है। तो उसमें जो यूज़र है वो नए नए कंटेंट ऐड भी कर सकता है और पुराने कंटेंट डिलीट भी कर सकता है, इसलिए डायनेमिक वेबसाइट को ज़्यादा अच्छा माना गया है स्टैटिक वेबसाइट से। हम तीसरी वेबसाइट की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट आप जानते होंगे, जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट वेबसाइट्स हैं, वो ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसमें क्या होता है कि यूज़र ऑनलाइन परचेसिंग कर सकता है, ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय कर सकता है। इसका पूरा जो डाटा रहता है वो एडमिन पैनल में सेव रहता है इसके वेबसाइट ओनर के पास में। जैसे आपने इमेज देखी, वहाँ पर आप जाते हो, वहाँ पर एड टू कार्ट करके प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो। परचेस करने के बाद में उसके एडमिन पैनल में उसको दिखता है कि किस किसका परचेस आया है, किसका वो आया है, ऑर्डर आया है, तो उसको डिलीवर करवा देते हैं। तो ये कम्प्लीट जो ऑर्डर से लेकर डिलीवर तक का जो प्रोसेस रहता है वो ई कॉमर्स वेबसाइट में होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट दो तरह से हो सकती है, एक मल्टी वेंडर, एक सिंगल वेंडर। सिंगल वेंडर मतलब जैसे कि अभी आप एक दुकान को चलाते हो या किसी शॉप को चलाते हो, तो उसमें क्या रहता है कि आप एक वेबसाइट डेवलप करवाते हो, उस वेबसाइट में आपको उसमें आपकी प्रोडक्ट अपलोड करते हो। अब यूज़र आता है और यूज़र आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, तो वो प्रोडक्ट जो यूज़र ने ऑर्डर किया है वो आपके पास आ चुका है एडमिन पैनल में। लेकिन मल्टी वेंडर में कैसे होता है, जैसे कि अभी आपकी एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट है और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट दुकानदार आके वहाँ पर रजिस्टर्ड करते हैं, जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट में होता है। अमेजन और फ्लिपकार्ट का खुद का कोई शॉप नहीं होता, वहाँ पर जो वेंडर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वहाँ पर उन खुद को रजिस्टर करते हैं और वो उनकी ही प्रोडक्ट को सेल करता है। तो इसमें क्या करता है, आपका डिफरेंट प्रकार के जो है वेंडर यानी कि दुकानदार होते हैं वहाँ पर रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्टर्ड करने के बाद में उनका शॉप वहाँ पर शो होता है और वह वहाँ पर प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद में यूज़र आता है और यूज़र वहाँ पर प्रोडक्ट देखता है और वहाँ से ऑर्डर करता है। अब यूज़र जहाँ से ऑर्डर करता है उसी कंपनी के पास वो ऑर्डर पहुँचता है और वो कंपनी वहाँ पर अमेजन के थ्रू या फिर फ्लिपकार्ट के थ्रू वहाँ पर डिलीवर करवाती है। यह रहता है दोस्तों ई कॉमर्स वेबसाइट। अब बात करते हैं अपन CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट की। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट वो होती है जिसमें कंटेंट रेगुलरली चेंज होता रहता है। जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट मान लीजिए आप, इंफॉर्मेशन वेबसाइट मान लीजिए आप, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट मान लीजिए जहाँ पर न्यूज़ और कंटेंट डेली चेंज होता है, उसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सबसे अच्छा जो टूल रहता है वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अच्छा माना गया है, क्योंकि वर्डप्रेस एक तो यूज़र फ्रेंडली जो होता है वो उसके लिए यूज़ किया जाता है। यूज़र फ्रेंडली लेआउट होता है वर्डप्रेस का और उसमें कंटेंट को हैंडल करना, उसको मतलब मैनेज करना बहुत ईजी रहता है, इसलिए कंटेंट मैनेजमेंट के लिए वर्डप्रेस में आपको सजेस्ट करूँगा। बाकी और भी है, जुमला आप देख सकते हो, जुमला भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का ही सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको किसी भी सी पैनल के अंदर आपको ये डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर वहाँ पर मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए। अब बात करते हैं अपन LMS की, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे
आप समझ गए होंगे लर्निंग जहाँ पर होती है, जैसे कि आप अभी जो कोर्स कर रहे हो या ये वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट पे, वो है एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, स्कूल्स के लिए, ये स्कूल्स कॉलेजेस के लिए स्पेशली बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि कोचिंग के वीडियोस, ऑनलाइन जो मीटिंग होती है, ऑनलाइन जो होता है पूरा कंप्लीट, एक यूजर को, स्टूडेंट को वो मिलता है यूलॉगिन पासवर्ड, वहाँ पर उसके कोर्स को एक्सेस कर पाता है। और इंस्ट्रक्टर यानी कि जो वो अपना जो टीचर होता है, उसको भी एक प्रोफाइल मिलता है, वो भी वहाँ पर अपने वीडियो अपलोड करके स्टूडेंट को दे सकता है। ये होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली ये वेबसाइट होती है दोस्तों अपनी, जो अपनी यूज़ आती है।